Okay, student of class 7, let us redo multiple choice questions of page 72. Let us read and try to understand multiple choice questions on page 72. Which of these does not affect the climate of a place? Which of these does not affect the climate of a place? इन सब में से कौन ऐसा है जो एक स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो आप देख सकते हैं कि रॉक्स जो है तो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी विंड्स, हवाएं, हाइट्स अबव द सी लेवल और डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, ये सब उसकी क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जो भी जो मौसम का परिवर्तन होता है लंबे समय के लिए, वो वहाँ का क्लाइमेट जलवायु कहलाती है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स ऑल ऑफ द लैटिट्यूड पर भी, एल्टीट्यूड पर भी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पर भी, यानी ऑल ऑफ दिस पर डिपेंड करता है। ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक फॉर्म द, जो ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और बहुत बारीक से बारीक कण होते हैं चट्टानों के, वो क्या करते हैं? ए होरिजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं, ए होरिजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स पोजेसेस ब्लबर अंडर इट्स स्किन। तो आप जानते हैं कि कैमल तो हार्ड प्लेसेस पर आ जाता, ध्यान नहीं होगा, पिनिक भी जो है नहीं होता, इसमें पोलर बियर होगा, पोलर बियर में होगा। नेक्स्ट थिंग इज विच सॉइल टाइप इज द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं लोमी, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं, लोमी दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं, दैट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ए जिसे देसी खाद कह सकते हैं, पेड़ पौधों जीव जंतुओं के शरीर के अंदर से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ जब मिट्टी में भली भांति से सड़ गल कर मिल जाते हैं तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। विच सॉइल हैज द हाईएस्ट ह्यूमस कंटेंट, उसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन, ब्लैक सॉइल्स किसमें ज़्यादा धनी होती हैं? बोथ आयरन मैग्नीशियम दोनों में ब्लैक सॉइल धनी होती है। बेडरॉक इज प्रेजेंट बिलो सी होरिजन, जो बेडरॉक होती है इज प्रेजेंट बिलो सी होरिजन, वो सी होरिजन के नीचे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्सली टेक्चर्ड सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर्सली टेक्चर्ड सॉइल, इनमें से कौन सी ऐसी जो है बड़े बड़े दानों वाली मिट्टी होती है? तो सैंडी सॉइल होती है, यानी सैंड की होती है। रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। एक किसी स्थान विशेष से आप ढेर सारे पेड़ पौधों की कटाई बड़े पैमाने पर करें, एक साथ करें, तो उसी को डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। What kind of soil is best for growing cotton? What kind of soil is best for growing cotton? Cotton उगाने के लिए कौन सा सबसे अच्छी होती है? तो ब्लैक सॉइल होती है। Which soil is not good for plant growth? Which soil is not good for plant growth? Plant growth के लिए कौन सी soil अच्छी नहीं होती है? तो आप लिख सकते हैं सैंडी सॉइल, क्योंकि उसमें पानी टिक नहीं पाता है, पानी सीधे नीचे चला जाता है, इसलिए सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ फिर क्या? इज द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स, इसमें सैंडी सॉइल इज द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल, लेकिन इसमें सैंडी है ही नहीं, इसमें नॉन ऑफ दीज कर देंगे, नॉन ऑफ दीज कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, यू विल रीड दिस पेज वेरी केयरफुली, यू विल लर्न दिस वेरी केयरफुली, बट यू हैव नॉट टू राइट इट एनी वेयर, आप इसको कहीं लिखना नहीं है, लेकिन इसको इतने अच्छे से पढ़ डालो, याद कर डालो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आपको आ सके। ओके।
थैंक यू वेरी मच, दैट इज़ एनफ फॉर टुडे।